आज की हमारी रेसिपी है पनीर भुर्जी। तो चलिए देखते हैं पहले उसके इंग्रेडिएंट्स। पनीर भुर्जी के लिए हमें चाहिए पनीर, जो कि मैंने लिया है क्रम्बल्ड पनीर 150 ग्राम। मैंने यहाँ देशी घी लिया है, आप चाहे तो कोई भी ऑयल ले सकते हैं। मटर, एक मीडियम साइज टमाटर, एक मीडियम साइज अनियन, जिंजर गार्लिक, मैंने यहाँ फ्रेश जिंजर गार्लिक ली है, आप चाहें तो पेस्ट भी ले सकते हैं। तेज पत्ता, बे लीव्स, धनिया पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, गरम मसाला, टर्मरिक पाउडर, कसूरी मेथी और रेड चिली। सबसे पहले हम एक पैन में घी या ऑयल, जो भी आपको पसंद हो वो लेंगे। घी के गर्म हो जाने पर मैं इसमें ऐड करूंगी तेज पत्ता। इसके बाद ऐड कर देंगे इसमें हम अनियन। अनियन को हम हल्का कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए प्याज का कलर हल्का चेंज हो गया है और ये सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे टोमेटोस। टमाटर डालने के बाद इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे। और सॉल्ट को अच्छी तरह से इसमें मिक्स करने के बाद इसको जो है वो मैं 2 से 3 मिनट के लिए लिड लगा के कुक होने दूंगी, जिससे कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। देखते हैं आप टमाटर इसका सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। ये देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इसको हम इसी में हल्के से मैश कर देंगे और अब इसमें ऐड करते हैं हम सारे मसाले। रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, टर्मरिक पाउडर, गरम मसाला, अब मसालों को इसमें मैं करीब 1 मिनट तक अच्छी तरह से भूनूंगी। देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है और ये ऑयल छोड़ने लगा है। तो अब इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये ग्रीन पीस। मैंने यहाँ फ्रोजन ग्रीन पीस लिए हैं। अगर आप फ्रेश ग्रीन पीस लेते हैं तो उसको 80% कुक कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद इसको अब हम करीब 1 से 2 मिनट के लिए लिड लगा के और छोड़ देंगे, जिससे जो मटर है वो अच्छी सॉफ्ट हो जाए और गल जाए, क्योंकि ये 80% कुक है पीस। इसको लिड लगा के रखे हुए मुझे करीब 1 से 2 मिनट हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं मटर गल गई है या नहीं। ये देखिए मटर अच्छे से गल चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये पनीर। अच्छी तरह से पनीर को मसाले के साथ मिक्स करना है। देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी कसूरी मेथी। सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको आप 1 से 2 मिनट के लिए और लेट लगा के छोड़ दीजिए और बीच में 1 से 2 बार इसको हम चला देंगे। चलिए देखते हैं। ये देखिए ये बनके अब रेडी हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी कोरिएंडर। अच्छे
अच्छे से मिक्स करते हैं और करते हैं इसकी सर्विंग। मेरे खट्टू दोस्तों, पनीर भुर्जी बनके रेडी हो चुकी है। इसको आप रुमाली रोटी या किसी भी तरह की ब्रेड के साथ, पाव के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशंस फॉर माय न्यू रेसिपीज। जल्दी ही आपके साथ फिर से मिलूंगी अपनी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।